हेलो दोस्तों, हजारों करोड़ के मालिक एक 40 रुपये के स्टॉक खरीदने के लिए बेताब है। दोस्तों वो बहुत छोटा स्टॉक है, लेकिन दोस्तों फंडामेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा और न्यूज़ के बाद वो स्टॉक का नाम भी बताऊंगा, ताकि आप भी कोई ना कोई ऐसा स्टेप ले सके जिससे आपको भी अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो पाए। अब आप कुछ ऐसे भी लोग पूछेंगे कि कौन है वो हजारों करोड़ का मालिक। दोस्तों वो बहुत शेयर मार्केट से बहुत बड़े पैसे कमाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। ठीक है दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला स्टॉक आर ऑन ए रॉल। ठीक है, तो ये न्यूज़ कब आया था दोस्तों? 27 मार्च, आज की डेट में ही ये न्यूज़ आया है। और मैं चाहता हूँ कि आपको इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी दिख रही होगी। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको नुकसान दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो स्टॉक गेन 5 to 10% ऑन द डे। देख सकते हैं एक दिनों के अंदर 5 से 10% तक का राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो में क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए, यही है राकेश झुनझुनवाला। बहुत लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो देख भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उनके पोर्टफोलियो में क्या हुआ गेन, अभी गिरते हुए मार्केट में यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि इतने बड़े इंसान ने केवल 40 रुपये का स्टॉक क्यों खरीदा। अगर ख़रीदा तो कौन सा स्टॉक है जो हम भी खरीद सकते हैं? क्योंकि सोचिए, इन्होंने एक टाइटन कंपनी को ख़रीदा था केवल 2 रुपीज़ के आसपास। ठीक है दोस्तों, 2 रुपये के आसपास ख़रीदा था, उस स्टॉक का प्राइस हो गया था 2000 रुपीज़। सोचिए, चार से आठ, मतलब इतना बड़ा मल्टीबैगर बन चुका था दोस्तों। वही स्टॉक ने इनको करोड़पति नहीं दोस्तों, अरबपति बना दिया। तो ऐसे ही स्टॉक जब भी ये चूज़ करते हैं, तो ऐसे ही स्टॉक पे इनका फोकस रहता है। ठीक है, तो कौन सा स्टॉक है दोस्तों? सबसे पहले तो हम स्टॉक का नाम देखना चाहेंगे, तो सबसे नीचे चलते हैं, एक मिनट, कुल 40 रुपीज़ का स्टॉक है, देख लीजिए, फेडरल बैंक। ठीक है दोस्तों, फेडरल बैंक रोज 7% टू 44.75। ठीक है, झुनझुनवाला हेल्ड 2.9% स्टेक इन द प्राइवेट लेंडर। यहाँ पर देख सकते हो, आपको साफ साफ लिखा गया है, अगर ये दो लाइन पे अगर आप फोकस कर दोगे, दो तीन लाइन पे, तो आपको हर एक चीज़ आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, कितना हेल्ड किया है इन्होंने, 2.9%, अराउंड 3% के आसपास। और दोस्तों किसी कंपनी में 3% की हिस्सेदारी लेना, मतलब सोच लो, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, छोटे हम तो 0.01% भी नहीं ले सकते, 0.01% भी नहीं ले सकते, और इन्होंने 3% ले लिया, सोचिए। और वो भी कौन सा बैंक है दोस्तों? वो फेडरल बैंक है। ये स्टॉक दोस्तों 100 के लेवल पे गया था, 100 के लेवल से टूट के 40 रुपीज़ तक आ चुका है। और बात मानिए दोस्तों, फेडरल बैंक के पीछे बहुत लोग पड़े हैं, बहुत लोग, और इसका दोस्तों टारगेट जो है अनएक्सपेक्टेड है। अराउंड कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि दोस्तों ये अराउंड 4 या 5 ईयर में, ज्यादा नहीं, 4 या 5 ईयर में ये दोस्तों मल्टीबैगर भी बन सकता है, 4 या 5 ईयर में। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक पे आप देख सकते हो कि आप चाहते हो कि जो स्टॉक राकेश झुनझुनवाला के पास है, वो भी गिरते हुए मार्केट में, इनके जो स्टॉक है दोस्तों आज के डेट में देखोगे, जो फेडरल बैंक है दोस्तों, उसमें भी आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, मतलब अपर सर्किट देखते हुए नजर आएगा। तो सोचिए, क्या आप खरीदना चाहते हो जो राकेश झुनझुनवाला के पास स्टॉक है? एक मिनट, ये देखिए फेडरल बैंक दोस्तों, जो आपको बहुत बहुत अच्छी प्रॉफिट देने वाला है, बहुत अच्छी, मैं तो बोलूँगा दोस्तों, ये स्टॉक तो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। मतलब चाहे जो भी हो जाए दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट करो, रखो, इन्वेस्टमेंट करो, रखो, भले ही आपको दो से चार दिन लगे, लेकिन आपको क्या करना है, होल्ड करना है। और छोटा मोटा क्वांटिटी मत खरीदेगा, कुछ लोग 10 पीस खरीद लेते हैं, कुछ लोग 100 पीस खरीद लेते हैं। आप देखिए, 40 रुपीज़ का स्टॉक में अगर इतना खरीदोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा? खरीदना है, अच्छा पैसा, वेल्थ क्रिएट करना है, तो लिमिटेड स्टॉक में अनलिमिटेड क्या करो, खरीदारी करो। क्या करना है, लिमिटेड स्टॉक में अनलिमिटेड बाइंग करना है। और देख सकते हो दोस्तों क्या करना है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत है, तो उनके पास मान लीजिए कि उनके पास 10,000 रुपीज़ है, बहुत लोग हैं जिनके पास 10,000 है, या मान लीजिए दोस्तों मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है दोस्तों, 1 लाख रुपीज़ है, तो वो क्या करते हैं आपको पता है? वो क्या करते हैं दोस्तों, अपने पैसे को कम से कम तो 15 से 20 जगह लगा देते हैं, मतलब किसी स्टॉक में 10 क्वांटिटी खरीद लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है, उन्होंने यहाँ पर देख लीजिए IPC लैब में इन्होंने 10 क्वांटिटी खरीद लिया, फिर इसमें आप उन्होंने 20 क्वांटिटी खरीद लिया, तो ऐसे पोर्टफोलियो नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो यहां पर आपको फोकस करना है किस पे दोस्तों? फेडरल बैंक पे। और ये दोस्तों स्टॉक आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला ने खरीदा है, तो हो सकता है कि आपको 5 साल लगे, मिनिमम तो 5 ईयर के आसपास आपको लगेगा, लेकिन आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट देगा। अगर आपको लग रहा है कि राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है,
और डिविडेंड के मामले में अगर हम कंपनी की बातचीत देख लेते हैं तो दोस्तों डिविडेंड, एक मिनट भाई, डिविडेंड ये अराउंड 3.5% के आसपास देता है, ठीक है, 3.5% के आसपास मान लीजिए देता है, ठीक है। और कंपनी दोस्तों पूरी टूट चुकी है, अब इसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बैंक में आप देख सकते हो दोस्तों जो हिसाब से कौन से लेवल में था ये बैंक, इस लेवल में दौड़ रहा था, लेकिन आपको मिल रहा है किस लेवल में दोस्तों, इस लेवल में मिल रहा है, इतना बड़ा गिरावट, वो भी दोस्तों 110 रुपये का स्टॉक। इतना एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखना है, 110, मतलब हम 3 रुपीज़ को भी नहीं भूलेंगे, 3 रुपीज़ का मतलब है ये स्टॉक में 10%, और 10% के लिए हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं तो हमें कम से कम तो 1 साल लग जाता है, कम से कम, अगर 10% भी देती है तो, ठीक है। तो 1-1 रुपया का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और स्टॉक आपको कितने में मिला दोस्तों, 35 रुपीज़ का ये लोएस्ट मारा है, और खोने को कुछ नहीं है ये स्टॉक के पास, ठीक है। तो अगर आप ये स्टॉक खरीदना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहे जो भी हो, आप एक बार मतलब अपना कुछ भी करने से पहले, स्टेप लेने से पहले सोच लीजिएगा, पैसा आपका तो प्रॉफिट भी आपका, ठीक है, तो रिस्क भी आपका और रिवॉर्ड भी आपका, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक तो बस मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, और उनको शेयर कीजिएगा जिनको अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, तो हम वहाँ से बताएंगे, ठीक है। तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिए, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।